नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि पिछले बार आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर के विषय में पढ़ा था, तो आज आप चन्हुदड़ो और लोथल नगर के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज वो होगा चन्हुदड़ो और लोथल नगर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये चन्हुदड़ो नगर कहाँ पर स्थित है, तो ये चन्हुदड़ो नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित ये एक नगर है। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित था, तो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में ही ये चन्हुदड़ो नगर स्थित है। ये चन्हुदड़ो नगर जो है मोहनजोदड़ो नगर के दक्षिण में स्थित है। और अब क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि ये चन्हुदड़ो नगर की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज 1931 में, चन्हुदड़ो नगर की खोज 1931 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। तो एन गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज 1921 में की थी, सॉरी 1931 में की थी एन गोपाल मजुमदार ने 1931। और यहाँ पे उत्खनन कार्य जो है 1943 ईस्वी में 1943 में उत्खनन कार्य जो है वो किसने किया था, तो वो किया था अर्नेस्ट मैके ने। तो अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में ये उत्खनन कार्य किया गया था। और अब जैसे कि आपने पढ़ा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर में दो टीले थे, तो उसी प्रकार से चन्हुदड़ो नगर में भी दो टीले देखने को मिले, ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला। तो इस नगर में भी दो टीले देखने को मिले। और अब ऐसा कहा गया है कि चन्हुदड़ो नगर में जो टीले थे, तो उन टीलों को सुरक्षा प्राचीर से नहीं घिरा गया था, तो इन टीलों में सुरक्षा प्राचीर का अभाव देखने को मिला। यानी कि न तो पूर्वी टीला और न ही पश्चिमी टीला किसी प्रकार से सुरक्षा प्राचीर से नहीं घिरे हुए थे। जी हाँ, और ये टीलों को आप क्षेत्र भी कह सकते हैं, ऐसे क्षेत्र जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी दो क्षेत्रों में बटा हुआ था और सुरक्षा प्राचीर का अभाव पश्चिमी टीले में था। जैसे कि आपने देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो पश्चिमी टीले थे वो सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, लेकिन इसमें पश्चिमी टीले जो है सुरक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है और पूर्वी टीला भी सुरक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है, तो सुरक्षा प्राचीर का अभाव था इसमें। और अब ऐसा कहा जाता है कि चन्हुदड़ो नगर की अगर हम बात करें, तो इस नगर में एक के बाद एक मिट्टी के 7 परतें देखने को मिली। इसका मतलब ये नगर 7 बार बिखर चुका था, 7 बार तबाह हो चुका था। और अब ऐसा कहा जाता है कि जो मिट्टी की 7वीं परत थी, तो उसी 7वीं परत पर सैंधव कालीन अवशेष देखने को मिले। सैंधव कालीन अवशेष जो है उसी 7वीं परत पर देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊपरी परत की, अगर हम बात करें तो ऊपरी परत पर प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा से पहले के प्राक हड़प्पा व झोकर संस्कृति और झांकर संस्कृति के अवशेष देखने को मिले। झोकर संस्कृति और झांकर संस्कृति के अवशेष देखने को मिले। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि किस नगर से झोकर संस्कृति और झांकर संस्कृति के अवशेष देखने को मिले, तो वो चन्हुदड़ो नगर से देखने को मिले। और अब ऐसा कहा जाता है कि चन्हुदड़ो नगर में जो है, इस नगर में प्राकृतिक आपदाएं आती थी, जैसे कि अचानक बाढ़ का आना, अचानक जो है भूकंप का आना, प्रलय का आना। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ के लोग जो है वो यकायक नगर को छोड़ करके चले जाते थे। और इस बात का प्रमाण इस बात से लिया जाता है कि जो इस क्षेत्र में वस्तुएं मिली है वो दो अवस्थाओं में मिली है, अर्धनिर्मित अवस्थाओं में मिली है, वो निर्मित अवस्थाओं में मिली है, अर्धनिर्मित और निर्मित अवस्थाओं में मिली है, और वस्तुएं जो है वो अस्त व्यस्त अवस्थाओं में मिली है। तो अस्त व्यस्त अवस्थाओं में जो वस्तुएं मिली है, तो इससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस नगर के लोग जो है यकायक पलायन करके दूसरी ओर चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती थी। और जो है इसी कारण यहाँ पे 7 अलग अलग परतें मिट्टी की देखने को मिले, तो ये नगर 7 बार क्या हो चुका था, बर्बाद हो चुका था।
और अब हम बात करें वस्तु में निर्मित और अर्धनिर्मित दोनों अवस्थाओं में देखने को मिली, तो इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये नगर औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था और इस नगर में कारीगर और दस्तकार लोग रहते थे। कारीगर व दस्तकार लोग इस नगर में रहते थे क्योंकि वस्तुएं निर्मित और अर्धनिर्मित दोनों अवस्थाओं में देखने को मिली। और अब हम आगे की बात करें कि चन्नूतड़ो नगर से जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य क्या क्या मिले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से सुनिए कि चन्नूतड़ो नगर से क्या क्या साक्ष्य देखने को मिले। तो अब यहीं पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि चन्नूतड़ो नगर से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या थे। तो इस नगर से जो साक्ष्य देखने को मिले उन्हें आप कैसे में याद करेंगे क्योंकि वही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चन्नूतड़ो को आप एक शब्द से याद कर लीजिए, इसे चूहा शब्द से याद कर लीजिए, इसे चूहा मान लीजिए रैट। तो अब चूहे से बड़ा क्या होता है, चूहे से बड़ा बिल्ली और बिल्ली से बड़ा कुत्ता, तो चूहा बिल्ली और कुत्ता। तो चूहा से चन्नूतड़ो, चन्नूतड़ो से मिला बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का अवशेष, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के अवशेष, कुत्ते के पंजे के अवशेष जो है वो इसी नगर से देखने को मिले, पंजे के अवशेष। एक ऐसी ईंट, उस ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के अवशेष दिखाए गए और मिट्टी से भी वो अवशेष देखने को मिले हैं। अब दूसरा साक्ष्य क्या मिला है, दूसरा साक्ष्य मिला है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा कुत्ते शब्द को याद रखना है। तो कहावत है कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार, तो हाथी से याद आया अलंकृत हाथी, तो अलंकृत हाथी भी इसी नगर से देखने को मिला, अलंकृत हाथी। अब अगर हाथी का कपाल खंड की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो नगर से देखने को मिला। अब आगे बात करें अलंकृत हाथी इसी नगर से देखने को मिला, इसके अलावा कुत्ते, कुत्ते के आगे हड्डी डालना, तो हड्डियों से निर्मित वस्तुएं भी इसी नगर से देखने को मिली, हड्डियों से निर्मित वस्तुएं, जी हाँ हड्डियों से निर्मित वस्तुएं इस नगर में देखने को मिले। और जैसे कि अभी आपको बताया गया कि इस नगर में दस्तकार लोग रहते थे, कारीगर लोग रहते थे, वस्तुएं निर्मित और अर्धनिर्मित दोनों अवस्थाओं में पाई गई है। तो किससे वस्तुएं बनाते थे, वो हड्डियों से भी वस्तुएं बनाते थे, जानवरों की हड्डियों से, तो हड्डियों से निर्मित वस्तुएं इसी नगर में देखने को मिला। अगला अगर हम बात करें इसी में तो चूहा शब्द को फिर से देखिए, तो चूहा क्या कर लेता है, चूहा हर स्थान पर मिट्टी खोद लेता है, मिट्टी कर लेता है, तो मिट्टी खोदता है, तो मिट्टी से याद आया मिट्टी का बना मोर, मिट्टी का बना मोर जो है इसी नगर से देखने को मिला, मोर पिकॉक इसी नगर से देखने को मिला, मिट्टी से बना मोर का खिलौना इसी नगर से देखने को मिला। और मिट्टी से आगे एक और बात याद आई कि मिट्टी की एक मोहर, मिट्टी की एक मोहर या मुद्रा आप लिख सकते हैं उसे मुद्रा, जिस पर क्या अंकित था, जिस पर तीन घड़ियाल, जिस पर तीन घड़ियाल और दो मछलियों के चित्र अंकित थे, तीन घड़ियाल व दो मछलियों के चित्र क्या थे, अंकित थे, मछलियों के चित्र अंकित थे, हाँ जी अंकित थे। अब इसके अलावा जो है एक ऐसी वर्गाकार मुद्रा देखने को मिली इसी नगर से, एक वर्गाकार मुद्रा, तो उस वर्गाकार मुद्रा पे क्या था, उस वर्गाकार मुद्रा पे जो है दोनों ओर नारियों के चित्र अंकित थे, दोनों ओर नारियों के चित्र अंकित थे, और ऐसा कहा गया कि उन नारियों के हाथ में जो है, दोनों नारियों के हाथ में एक एक ध्वज थे और उस ध्वज के बीच से पीपल की एक पत्ती को दिखाया गया था, पीपल की एक पत्ती को दिखाया गया था। तो ऐसी ऐसी आकृति की एक मोहर भी इसी नगर में देखने को मिली, एक वर्गाकार मोहर जिस पर दोनों ओर नारियों का चित्र अंकित था, नारियों के हाथ में ध्वज थे और मुद्रा के मध्यवर्ती भाग से बीचों बीच से पीपल की पत्तियां उभरी हुई दिखाई गई थी। इसके अलावा हम आगे बात करें सातवां कौन सा साक्ष्य देखने को मिला, तो अब चूहा कैसे चलता है, चूहा जो है ऐसे चलता है वक्र बना करके चलता है, तो वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें जो है इसी नगर से देखने को मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसमें वक्राकार ईंटें देखने को मिले तो वो था चन्नूतड़ो,
और चूहा कैसे दौड़ता है, चूहा एकदम रैपिडली दौड़ता है, जैसे मन दौड़ता है, मन की गति की तरह दौड़ता है। तो मन से याद आया, मन का बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना इसी नगर से देखने को मिला। और अब ऐसा कहा जाता है कि मनके का प्रयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण के रूप में करते थे। तो ये आपने जो है चन्नूतुड़ो नगर के विषय में पढ़ा, उसके नगर नियोजन के विषय में पढ़ा और उन साक्ष्यों के बारे में पढ़ा जो चन्नूतुड़ो नगर से प्राप्त हुए थे। अब आगे की बात करें हम लोथल नगर, तो लोथल नगर को ज़रा ध्यान से सुनिए। तो लोथल नगर की अगर हम बात करें, लोथल, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि ये लोथल नगर है कहाँ पे। तो ये लोथल नगर जो है वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। और अब इस लोथल नगर की खोज कब और किसने की थी, तो लोथल नगर में जो उत्खनन कार्य किया था, उत्खनन कार्य जो किया था वो कार्य 1953-54 में रंगनाथ राव ने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। आप रंगनाथ राव को रंगनाथ मिश्र भी लिख सकते हैं, बहुत सी बुकों में रंगनाथ मिश्र लिखा हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो आप कैसे में याद करेंगे लोथल, जैसे चन्नूतुड़ो को चूहा आपने याद किया तो लोथल को आप थैला याद कर लीजिए, तो उस थैले पर क्या है, थैले पे बहुत से रंग है, तो रंगनाथ राव या रंगनाथ मिश्र ने यहाँ पे उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। अब आगे की बात करें हम, तो ये जो लोथल नगर है, इस लोथल नगर में सामाजिक विभेदीकरण देखने को नहीं मिला था। इसका मतलब ये संपूर्ण क्षेत्र एक ही टीले में विभाजित था, संपूर्ण क्षेत्र, इसमें पूर्वी टीले और पश्चिमी टीलों का अभाव था, तो संपूर्ण क्षेत्र एक ही टीले से निर्मित था। अब ऐसा कहा जाता है कि उस संपूर्ण टीले को जो है एक सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था, संपूर्ण टीले को जो है एक सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था, एक सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था। लेकिन सुविधा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से इस लोथल नगर को जो है सेक्टरों में बांटा गया था। कितने सेक्टरों में बांटा गया था, तो 6 सेक्टरों में इसको बांटा गया था, 6 सेक्टरों में इसको बांटा गया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्टरों में बांटा गया था। अब जरा ध्यान से सुनिए कि इस लोथल नगर के पूरब में एक बंदरगाह था, लोथल नगर के पूरब में एक बंदरगाह था, बंदरगाह यानी कि गोदी बाड़ा था, डॉक यार्ड था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र जो बंदरगाह से युक्त था लोथल, आप वन लाइनर क्वेश्चन में भी पढ़ते हैं। लोथल नगर के दक्षिण की अगर हम बात करें, तो दक्षिण में एक औद्योगिक क्षेत्र था, इंडस्ट्रियल एरिया था, यानी कि यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। और अगर हम बात करें कि इसके उत्तर में क्या था, तो उत्तर में इसके बाजार था, एक बाजार बहुत बड़ा मार्केट था। और लोथल नगर के उत्तर पश्चिम एरिया में अगर हम देखें, इस वाले एरिया में, तो इस वाले एरिया में शव दफन करने का स्थान था, शव दफन करने का स्थान था, इसका मतलब शवागाह था। तो शवागाह, शवगाह इधर देखने को मिला। और अब इस शव दफन करने वाले क्षेत्र से जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, उस क्षेत्र में 20 शव देखने को मिले। जिस प्रकार से हड़प्पा नगर के दक्षिण में, हड़प्पा नगर के पूर्वी टीले के दक्षिण में, 57 शव देखने को मिले, तो यहाँ से कितने शव देखने को मिले, 20 शव देखने को मिले। और उसमें कुछ शव ऐसे थे जो युग्मित थे, और युग्मित शव में किस किस का युग्म था, तो वो स्त्री और पुरुष दोनों का युग्म था। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पति पत्नी जब दोनों एक साथ मर गए थे, एक साथ जो है मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो उन्हें जो है एक साथ दफन कर दिया गया था, तो स्त्री और पुरुष के युग्मित शव थे। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस शवागाह से जो शव मिले हैं, तो शवों के जो सर थे वो सर उत्तरी दिशा में थे, और उनके जो पैर थे वो पैर जो है किस दिशा में थे, पैर जो है दक्षिणी
दिशा में थे, यानी कि वही बात जो बात हमने हड़प्पा नगर के विषय में पढ़ा था, हड़प्पा से जो शव प्राप्त हुए थे उनमें शव उत्तर, शवों के जो शव थे वो उत्तर दिशा में थे, पैर दक्षिण दिशा में थे। तो यहाँ पर भी जो शव हैं उनके सिर उत्तरी दिशा में हैं और पैर दक्षिणी दिशा में हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि भाई एक ऐसा शव देखने को मिला जिसका सर पूर्वी दिशा में था, सिर जो है ईस्ट डायरेक्शन में था, पूर्वी दिशा में था, और जबकि पैर जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में थे, पश्चिम दिशा में थे। जी हाँ, ये अपवाद देखने को मिला। और अब हम आगे की बात करें कि इसके उत्तर पश्चिम में शवागाह के बारे में आपने पढ़ लिया, और अब आगे की बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल नगर था उसके दक्षिण में जो औद्योगिक क्षेत्र था, तो किस किस का उद्योग यहाँ पर किया जाता था। तो यहाँ पर एक मन का बनाने का कारखाना देखने को मिला। मनके का प्रयोग जो है सिंधु निवासी जो है आभूषण के रूप में करते थे, तो मन का बनाने का कारखाना देखने को मिला। इसके अलावा सोना तथा तांबे के कार्य करने वालों के भी उद्योग धंधे देखने को मिले, सोने तथा तांबे के कार्य करने वालों के उद्योग भी यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पे शंख का औद्योगिक क्षेत्र, शंख का कार्य करने वाला औद्योगिक क्षेत्र भी देखने को मिला इस नगर में, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिला। और अब हम आगे बात करें कि इसके पूर्व में जो बंदरगाह था, बंदरगाह की क्या आकृति थी, तो बंदरगाह की आकृति को समझेंगे हम। तो लोथल नगर के पूर्व में जो बंदरगाह था उसकी क्या विशेषताएं थी, तो ध्यान से देखिए, लोथल नगर ये रहा और इसके पूर्व में जो बंदरगाह है, तो बंदरगाह की विशेषता ये थी कि बंदरगाह जो है उसकी लंबाई, बंदरगाह की जो लंबाई थी वो लंबाई 214 मीटर थी, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो उसकी चौड़ाई जो है वो 36 मीटर थी, और उसकी गहराई की बात करें तो गहराई जो है वो 3.3 मीटर उसकी गहराई थी। और अब ऐसा कहा जाता है कि इस बंदरगाह पर जहाज आने के लिए उत्तरी दिशा में एक प्रवेश द्वार था, तो प्रवेश द्वार 12 मीटर चौड़ा था और इस प्रवेश द्वार से जहाज बंदरगाह में प्रवेश करते थे। और बंदरगाह में जो अतिरिक्त जल होता था, तो अतिरिक्त जल की निकासी के लिए दक्षिण में एक निकासी द्वार था जो अतिरिक्त जल की निकासी किया करता था। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जैसे PCS के एग्ज़ाम में कई बार लिखने को आता है मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार या लोथल का बंदरगाह, तो ये पॉइंट्स उसमें लिखे जा सकते हैं। और जो है ये बंदरगाह स्थित था, और ये बंदरगाह लोथल नगर में चूंकि एक बंदरगाह था, तो लोथल नगर जो है वो सामुद्रिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, सिंधु काल में सामुद्रिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो था वो लोथल क्षेत्र था, प्रसिद्ध क्षेत्र था, और उत्तर में नगर के उत्तर में बाजार था। अब हम बात करें कि भाई लोथल नगर से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर उसका इतिहास लिखा गया है, वो क्या क्या साक्ष्य हैं, तो ध्यान से सुनिए कि लोथल नगर से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है। तो अब आगे बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लोथल को आप जो है एक थैला मानिए, थैला शब्द याद कीजिए, तो इस थैले के अंदर आपने क्या क्या रख दिया, तो इस थैले के अंदर रख दिया आपने नंबर एक फारस की मोहरें या मुद्राएं आपने जो है इस थैले के अंदर रख दी। और इसी थैले के अंदर आपने रख दिया क्या, मेसोपोटामिया की मोहरें भी इसी थैले के अंदर रख दी। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि लोथल नगर से जो मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हुई है वो मोहरें कैसी थी, तो वो मोहरें बेलनाकार थी।
अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बेलनाकार मोहरे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से देखने को मिला, तो वो लोथल नगर से देखने को मिला। तो आप थोड़ा ध्यान में याद रखिए कि मेसोपोटामिया में ए की मात्रा है, आई आई की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ये मात्राएं जो है कैसी आकृति की बन रही है, ये मात्राएं बेलन की आकृति की बन रही है, तो इसीलिए बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया से, ये बेलन की आकृति बन रही है, ए आई की मात्रा, तो बेलनाकार मोहरे इसी नगर से देखने को मिली। तीसरा, इस थैले में क्या रखेंगे, इस थैले में रखेंगे चावल, चावल या धान के साक्ष्य, तो चावल और धान के साक्ष्य जो है इसी नगर से देखने को मिले, चावल या धान के साक्ष्य इसी नगर से देखने को मिले। ध्यान से सुनिए कि लोथल नगर, लोथल से थैला, थैले में रख दिया आपने फारस की मोहरें, मेसोपोटामिया की मोहरें, मेसोपोटामिया की मोहरें बेलन के आकार की है, इसी में आपने चावल रख दिया। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि चावल को आपने पीसना है, तो अन्न पीसने की पत्थर की चक्की, अन्न पीसने की पत्थर की चक्की जो है इसी नगर से देखने को मिली। और बहुत सी बुकों में ये लिखा हुआ है कि आटा पीसने की दो पाटों से युक्त पत्थर की चक्की, तो एक ही बात है, वो लोथल नगर से देखने को मिली। अब जब आपने इतना सब कुछ एक थैले में रख दिया है, तो थैले में रखा है तो इसका मतलब आप प्लान कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो दूसरी जगह जा रहे हैं तो दिशा देख करके आप जाएंगे कि किस दिशा में आपको जाना है, तो दिशा सूचक यंत्र इसी नगर से देखने को मिला। और अब आप दूसरी दिशा में चले गए, दूसरे स्थान पे चले गए, नए शहर में चले गए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो है हवन करेंगे तो अग्निवेदिका इसी नगर से देखने को मिलेगी। और अब जो है वहाँ पे हवन किया, तो हवन करने के बाद आपने अपने रहने के लिए एक निवास बनाया, लेकिन ध्यान रखना है अन्नाकार बना रहे हैं आप, तो लकड़ी का बना एक अन्नागार, आप लकड़ी का एक अन्नागार बना रहे हैं, लकड़ी का बना एक अन्नागार इसी नगर से देखने को मिला। अब देखिए तीन अलग अलग क्वेश्चन बन गए, बृहत अन्नागार मोहनजोदड़ो नगर से, छः छः की दो पंक्तियों में 12 अन्नागार हड़प्पा नगर से, और लकड़ी का बना एक अन्नागार लोथल नगर से। अब उस अन्नागार के अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने जो है कुछ डेकोरेशन की वस्तुएं रख दी, क्या क्या वस्तुएं रख दी, तो ध्यान से देखिए कि घोड़े की मिरण मूर्ति आपने रख दी, तो घोड़े की मिरण मूर्तियां इसी नगर से देखने को मिली, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां देखने को मिली। इसके अलावा आपने क्या रख दिया, आपने रख दिया तांबे का बना पक्षी, कुत्ता, खरगोश, और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, तांबे का बना पक्षी, कुत्ता, खरगोश और बैल का खिलौना इसी नगर से देखने को मिला, तो ये सब आपने रख दिए याद करने के लिए, घोड़े की मृण मूर्तियाँ ये सब आपने डेकोरेशन के लिए रख दी। और अब आगे बात करें कि इसी लोथल नगर से जो है और क्या चीज़ देखने को मिला, तो अगला पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो तांबे का बना पक्षी, कुत्ता, खरगोश और बैल का खिलौना इसी नगर से देखने को मिला, इसी नगर से जो है आपको देखने को मिला। अब अगला जो है एक मिट्टी का बर्तन, जी हाँ ध्यान दीजिए, एक मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी का बर्तन मिला। अब आप जो है अन्नागार में रह रहे हैं तो बर्तन भी रखेंगे, तो बर्तन कैसे में रखेंगे, मिट्टी का बर्तन रखेंगे, तो एक मिट्टी का बर्तन, और उस बर्तन पर क्या है, उस बर्तन पर एक कौवे तथा लोमड़ी का चित्र युक्त है, लोमड़ी का चित्र अंकित है, और यह चित्र जो है पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है, जी हाँ। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में बनता है कि पंचतंत्र की जो कहानी है चालाक लोमड़ी, उसकी याद दिलाने वाला वो जो मिट्टी का बर्तन है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से देखने को मिला, तो वो लोथल नगर से देखने को मिला। और बाकी अब आपको पता है इसके विषय में, सब कुछ आपको बता दिया गया है, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसके विषय में कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।